शहडोल जिले में रतनजोत का बीज खाने से 28 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। जिले के वार्ड नंबर 31 में स्थित रहमानिया मदरसा में उर्दू पढ़ने वाले 28 बच्चों ने खेल खेल में रतनजोत का बीज खा लिया, जिससे बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। मदरसा के टीचर ने सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। पता नहीं एक दो घंटे के बाद उल्टी उल्टी होने लगा। हम लोग 5 बच्चे थे, बाकी बच्चों के नहीं पता। घटना ये हुई कि आज छुट्टी के बाद बच्चे लोग जो है घूम रहे थे, तो कोई बच्चे जो जब नदिया पल्ला गए तो वहाँ पे जो है कुछ फल मिला उनको, उनको अच्छा लगा खाने में, तो वो खा लिए। और जब मदरसा लेकर आया वो फल, तो बच्चा को जो 2-3 बच्चा देखे तो भी मैं भी खाऊंगा, उनको भी दिया वो बच्चा ने। जो बच्चा अभी आपके सामने बोला कि 5 बच्चे हम लोग थे, वो 5 बच्चे ही जो है खा रहे थे, तो वो और बच्चे देखे तो वही बच्चा वो उसको दिया, उसने वो भी खाया और मिला जुला के जो है 8-18 बच्चे करीब खाए। खाना 1:30 बजे खाना खिलाया उनको। खाना खाने के बाद जो है वो लोग कुछ बच्चे उल्टी किए, हम बोले ऐसे उल्टी क्या होगा, खाना खाया तो उल्टी क्या होगा। फिर बाद में 5-6 बच्चे उल्टी किया, तो फिर पता चला कि नहीं 5-6 बच्चे उल्टी कैसे कर रहे, 1-2 बच्चे करेंगे उल्टी। फिर मैं उनका जानकारी लिया, तो जानकारी लेने के बाद उनके जेब में जो है ये फल निकला, कौन सा फल था, वो बरगंडी का फल था, वो फल निकला। फिर हम सूचना दिए गांव वाले मोहल्ले वाले को, तो मोहल्ले वाले आए, फिर अस्पताल पहुंचाए। जिला अस्पताल पहुंचे तहसीलदार का कहना है कि फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर है, अभी सभी बच्चों का उपचार जारी है। बच्चों ने बीज कैसे खाया उसकी जांच की जा रही है। ये अभी जानकारी में है, ये कोनी जो हमारा वार्ड नंबर 37 है शेड्यूल का, उसमें एक मदरसा संचालित है जिसमें 50 बच्चे रहते हैं, तो उसमें कोई एक बच्चा बाहर गया और अरंडे का फल तोड़ के ले आया, और उन्होंने 10-20 बच्चों ने उसको अरंडे का फल खा लिया, जिससे ओवरईटिंग होने लगी। तो उसके जो कोनी के उसके मदरसा के संचालक है, उन्होंने उन 25 बच्चों को यहाँ एडमिट किया है और उनका सबका इलाज हुआ है। डॉक्टर साहब के अनुसार 24 बच्चे कंट्रोल में, 1 बच्चे का उपचार जारी है। नहीं, मदरसा के जो संचालक है वर्तमान में, तो वो बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है, परंतु 2000 से संचालित है, ऐसा होना बताया उन्होंने। शहडोल जिले कोनी में स्थित 18 वर्षों से संचालित मदरसे का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, यह मदरसा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। ऐसे मदरसों की जांच कर करवाई जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो सके। शहडोल से मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट।